बेगम, कटिंग कराती कि मैं कितना हैंडसम और कितना यंग दिख रहा हूँ? आपसे 5 साल छोटा महसूस कर रहा हूँ मैं। ऐसा तो फिर टकला करा लेना था, नहीं अभी अभी पैदा हुए जैसा महसूस करते थे आप। अरे माहिरा, अंदर ही रहते क्या बेटा? आओ बाहर आओ, सास को सलाम दुआ नहीं करते सुबह सुबह? आर्य अम्मी जान। सलाम अलैकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरी ओची। अल्लाह तुम दोनों का जोड़ा सलामत रखो, तुम दोनों को बुरी नजर से बचाओ, तुम्हारा कुछ चांद सा बेटा हो। क्या हुआ अम्मी जान? चांद से याद आया, आओ तुम्हारा को तुम्हारे ससुरे से मिलाती हूँ। ये मेरे चांद है और मेरे चांद को ग्रहण लग गया। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? देखो आप नाराज नको हो, मैं पहले ही बोली थी आपको कि मैं 2-4 दिन बिजी रहती हूँ बोल के। मेहंदी, शाचक, वलीमा, शादी, इन सब में बिजी थी मैं, लेकिन मैं आपको भूली नहीं, मैं आपको याद रखी। टीवी वाले को भी बोली मैं आपकी वीडियो निकालना सबसे पहले, और आप भर भर के दिखना बोल के। आप तो मेरे को छोड़ के चले गए, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ी। फुर्सत मिलते ही सबसे पहले आपके पास आई। अयो फुर्सत से याद आया, ये देखो ये आपकी बहू है, सलाम करो बेटे। अस्सलाम वालेकुम। झुको झुको झुको, झुक के सलाम करो। देखो तुम्हारा दुआ दे रहे हो। अरे इधर आ, अब्बा को सलाम नहीं करता, बदतमीज होते जा रहा दिन पर दिन। आ रहा था अम्मा, मैं उठ रहा था, तुम आवाज दी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, खैरियत कैसे हैं आप? अब्बा ये आपकी भौवे देखो। बहुत अच्छे इंसान थे इनू, अल्लाह ताला अच्छे इंसानों को जल्दी उठा लेता। नहीं नहीं बेटा, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन जिम्मेदारियां है बोल के मैं रुक गई। अब दोनों भी चले गए तो कैसा? इन्हों बहुत अच्छे थे, इन्हों कभी मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, कुछ भी हुआ तो मेरे से फौरन माफी मांग लेते थे। इनको हर चीज की जल्दी थी, इनको हर एक चीज में, इसलिए दुनिया को भी जल्दी छोड़ के चले गए। अजय मैं ऐसा नको बोलो, मैं कभी रो नहीं बेटा, नको रो। मैं नको रो, तुम कहीं को रो रहे? ए तू वहां जाके बैठ, चल आओ मेरी बच्ची, आओ अपन बैठेंगे, अपन बैठ के अच्छा बात करेंगे। तुम्हारा को एक इम्पोर्टेंट बात बोलना है। आज से ये घर तुम्हारा है, ये घर की हर एक चीज पे तुम्हारा हक है, मगर ये एक चीज को छोड़ के, क्योंकि ये तुम्हारे अब्बा की आखिरी निशानी है, जान से ज्यादा चाहते हो ना इसको, इसको भी तुम्हारा को वैसे ही देखना है जैसा तुम्हारे अब्बा देखते थे। जी अम्मी। बेटे मैं ये पूरी जिंदगी बिता दी है घर के पीछे, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये तुम्हारा हक है बेटा। ये पूरे घर के चाबियां हैं, इस पे भी तुम्हारा ही छक है, मगर इसको थोड़ा टाइम है। जी अम्मी जान। अच्छा बेटे मेरे को ये बताओ, तुम्हारा को क्या क्या पकवान आता? अम्मी जान मेरे को मैगी आता, मेरे को पास्ता बनाने आता, मेरे को ब्रेड आमलेट बनाने आता, अंडा उबालने आता, दूध उबालने आता, और चाय बनाने भी आता। चाय से याद आया, जरा 2 कप चाय बनाना बेगम, देखेंगे तुम्हारे हाथ की चाय कैसी रहती। अरे अरे ओ कमीने, बच्ची के हाथ की मेहंदी नहीं गई अभी, 2 दिन नहीं हुए शादी होके, तू बच्ची को चाय बनाओ बोलता? हाँ ऑर्डर दे रहा उसको, पहली बार बोल रही हूँ और आखिरी बार बोल रही हूँ, कान खोल के सुन ले, बच्ची को ऑर्डर नहीं दूंगा तू, और ना ही उन्हें चूल्हे में घुसेंगी जब तक उसके हाथ की मेहंदी नहीं जाएंगी, उन्हें इधर का तिनका उधर नहीं करेंगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उम्र सारी अब जाके आराम कर लो। जाओ जी अम्मी जान। अरे तू किधर? बहुत छुट्टियां हो गए, चल काम पे जा चल। अरे रेडी होने जा रहा हूँ माँ। वो इस बोल रही हूँ, बीवी के प्यार में लट्टू नक्को हो जा, वो बोलते देख नए फकीर को भीख की जल्दी बोल ले के, वो आलम नक्को कर ले खुद का, खामोश उठ के जा काम पे। क्या है, जा रहा हूँ माँ। माहिरा उठो बेटे, जोहर की नमाज का टाइम हो रहा, आओ। जी अम्मी। जी अम्मी। देखो बेटे, शादी के बाद एक लड़का और लड़की की जिंदगी बदल जाती पूरे को, ठीक है ना? अब इसके बाद क्या होता मालूम है? मायके में जो तुम करे सो करे, अब वो यहाँ पे ससुराल में नहीं, यहाँ पे तुम्हारे को
हमारे तौर तरीके के हिसाब से तुम्हारे को अपनी जिंदगी बिताना है। अगर अब तुम्हारी जिंदगी अच्छी रही ना तो तुम्हारे शौहर के साथ आगे की जिंदगी भी अच्छी रहती। जी अम्मी। देखो बेटे, तुम्हारे को खाना पकाना नहीं आता बोल के बोले ना तुम टेंशन नको लियो, मैं सब सिखाती हूँ तुम्हारे को। वो क्या है ना, मेरा बेटा ये मैगी पास्ता पिज्जा ये सब कुछ नहीं खाता, वो चिडंडियाँ। उसको क्या है, घर का खाना ही छोना, चाहे वो दाल चावल ही क्यों ना रहो। जी अम्मी। बस तुम्हारे हाथ की ये मेहंदी जाने दो, मैं तुम्हारे को सब काम सिखाती हूँ बेटे। जी अम्मी। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितनी अच्छी अखलाक और तरबियत वाली बहू ले लेके आई मैं। तुम बोले तो वो चिमरक तुम्हारी बहन की सेमड़ी बेटी के साथ कराएंगे, बोले गैसो घर में आग लगा देती उन्हें, गैसो घर का वाटोला हो जाता। वाह मेरी बहू, वही कितनी अच्छी प्यारी बहू ले लेके आई मैं, देखो। जबरदस्त। अरे देखो सुबह में क्या बोली मैं, उसको एक काम नहीं बोलेंगा तू, उसके हाथ की मेहंदी गए तक उसको एक काम नहीं बोलना तू, फिर भी तेको समझ में नहीं आ रहा, जीव एक बदतमीज। जाओ बेटे जाओ, तुम जाके सो जाओ, अपन सुबह में बात करेंगे, जाओ। अच्छा सुनो बेगम, आते वक्त जो है ना आप ये पूरा लाइटा बंद कर दो और वो कुंडी लगा दे, कहा जाओ ठीक है। अरे अरे समझ गया भाई, ठीक है मैच कर लेता बैठो। अंदर जाके तू कुछ भी काम लगाएगा, तू बिस्तर झटको ये झटको, पिल्लो सेट करो, ऐसा वैसा, मेरे से बुरा कोई भी नहीं रहेगा, खुद छटक लेगा, खामोश सो जा। ठीक है भाई, मालूम मेरे को तुम्हारी बहू के हाथ की मेहंदी नहीं गई, जब तक उससे कुछ भी काम नहीं लेना मेरे को मालूम है, ठीक है ना। चलो जो उम्र सारी जाओ बेटे जाओ। अरे देखो भाई, तुम्हारे कुछ भी काम हो रहा है तो मेरे को बोला भाई, तुम्हारा काम भी मैं कर देता हूँ। सुने अरे वही चौदह रहा है, चलो। अजी आज को 3 हफ्ते हो गए, आपकी बहू की मेहंदी जाने का नाम ही नहीं ले रही। देखो मेरा बेटा कितना चाहता आपकी बहू को, आप भी चाहते थे, मगर मेरी मेहंदी 8 दिन में निकल गई जी। मेरे को ऐसा लग रहा बहू के घर वाले गलती से मेहंदी की जगह टैटू डाल के भेज दिए शायद, इसलिए जाने का नाम ही नहीं ले रही। और वैसे भी आजकल है ना बहुत नमूनों की मेहंदी आ रही मार्केट में केमिकल की, इसके वास्ते बहू के हाथ से मेहंदी जाने का नाम ही नहीं ले रही। अस्सलाम वालेकुम मीजान। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बोल रहे हैं आपके अब्बा। बहू मेरे को एक बात बताओ, ये कहाँ से लगवाए तुम ये मेहंदी जो 3 चुमागियों से जाने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये हमारे घर का नहीं ना, मेरी बचपन की दोस्त है अनीखा बोल के, उन्होंने लगाए सो। नहीं आपकी दोस्त को बोलो कि मेरे वास्ते भी 1-2 मेहंदी के पुड़े भेजो बोल के। जी अम्मी। अच्छा सुनो बेगम, वो मेरा पर्स कहाँ है? अरे नहीं जी, मैं बोल रहा हूँ मेरा पर्स कहाँ है, मैं जाके ले लेता, खाली बोलो तुम, मेरे को मालूम है तुम्हारे बहू के हाथ की मेहंदी नहीं गई, ठीक है। वही बोल रही हूँ मैं, कामा नहीं लगाना मेरी बहू को, चल जा यहाँ से। अजीब ही है वही। बेटे ये देखो, ये सूप है, ये चावल है, इसमें कंकर बहुत रहते, ये पूरे निकालना रहता, उसके बाद ही अपन चावल चढ़ा सकते अपन खाने के वास्ते। अरे किधर? दोस्तों का जा रहा हूँ। दोस्तों का बाद में जा, पहले बेकरी को जा, बहू के वास्ते कुछ तो भी ले ले। क्या बहू क्या खाते बोलो बेटे? नहीं कुछ भी नहीं है। कुछ बोलो बेटे क्या खाते? एग पफ गिफ्ट पफ कुछ भी ना को ले लेके आओ, चिकन बर्गर ले लेके आओ, डबल मायोनीज डाल लेके। वो गिड्डे को बोलो चुन्नी खाला बोली बोल के बोलो। अच्छी बात है खाला। अरे क्या बोल रहा? नहीं अच्छी बात है माँ, मैं लाता हूँ बोला। हाँ। अच्छा वो तुम अंडा करी पफ खाते ना, वो भी ला लू। नहीं 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 बेटे, आज मेरे को पफ खाने का दिल नहीं बोल रहा, तुम्हारे अब्बा है ना मेरे वास्ते अजमेरी कलाकन ले लेके आते थे तुम्हारी दादी से छुपा लेके, लगा साथ में बैठ के खाते थे, आज वो खाना दिल बोल रहा मेरे को। और बेटे तुम तुम्हारी बीवी को कुछ भी खिलाओ तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, तुम्हारी दादी के जैसी नहीं हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम जो खिलाते खिलाओ तुम्हारी बीवी को। अच्छी बात है अम्मा, लेके आते जा, ले लेके आओ, जो चलो अम्मा खाओ, तुम कलाकन बोले थे ना। हेलो जी। नहीं नहीं बेटे तुम लोग खाओ, मैं इनके साथ बैठ के खा लेके आती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। ठीक ठीक है बेटे।
खा। अच्छा एक बात बताओ, आपके अम्मा कुछ ज्यादा यंग नहीं दिखते? अरे सबका ये सवाल है भाई, एक्चुअली क्या है उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई और उन मेहनत भी बहुत करे और डाइटिंग वगैरह भी बहुत करते भाई, ये नहीं खाती हूँ वो तेल है ये नमक मिर्ची, तो इसके वजह से भी क्या है जरा उन बहुत यंग दिखते। अरे कई लोग तो क्या है उनको मेरी बड़ी बहन समझते। हाँ, आप लोग जो हमारे घर को आए थे ना मेरे को देखने के वास्ते, हाँ। हम सब लोग ये सोच रहे थे कि आपकी बड़ी बहन है नो। सबका ये सता डॉट। आप खाओ भाई, खाओ ये खाओ प्लीज। आप नहीं खा रहे? नहीं भाई मैं नहीं खाता भाई, वो बर्गर पिज्जा आधा ये चीज इंडिया नहीं जानते मेरे को। आप खाओ खाओ खाओ। कहावा बेगम खाओ। खाना बोले तो अब उसको उठाना पड़ता नहीं, खाना भी काम है। अम्मा मेरे को कोई भी काम नको करो बोले, देखो गुस्सा हो जाते। देखो बेगम खाना कोई काम नहीं है, जीने के वास्ते खाना पड़ता तो खाओ, कुछ भी नहीं होता। फिर मेरी मेहंदी निकल जाती नहीं? Oh, no. अरे ऐसी कौन सी मेहंदी लगाए बेगम आप, हाँ शादियों के एक महीना होने आ रहा, तुम्हारे हाथों की मेहंदी जा रही नहीं आपकी मोहब्बत की। देखो बेगम प्लीज एक बात सुनो, आप ना शादी से पहले आप मेरे को देखे ना मैं आपको देखा, जो भी मामला हुआ फोटोज पे हुआ, और मेरे को भी ऐसा कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मेरे को आपसे इतनी मोहब्बत है, बल्कि ऐसा दिख रहा भी नहीं। मोहब्बत दिखाने की चीज नहीं होती, मोहब्बत महसूस करने की चीज होती, जो आपके हरकतों में और आपके अदाओं में मेरे को महसूस हो रही, इसलिए तो मेरी मेहंदी का रंग दिन ब दिन गहरा होता जा रहा। आप ये गुलाबी लाड़ा नको करो प्लीज, खाओ कुछ भी ना था। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्रीकाल, वड़कम। आई होप कि आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो भी करो, और वो जो घंटा रहता ना उसको प्रेस भी करो। Done. समझ में आया? ओके okay. अच्छा आप लोगों से ये बोलना है कि आप लोगों को अब की बार हमारे से लाइक वी आर चैलेंज, हमारा कुछ चैलेंज है कि अब की बार जो है हमारे ये वीडियो को 30,000 लाइक्स होना है, तो लेट्स सी के 30,000 लाइक्स मिलते या नहीं मिलते, क्या बोलते हैं अम्मा? मैं तो ये बोलती हूँ 1,00,000 भी मिलते अगर आप लोग करे तो। देखो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, समझ में आया? डन, आ गया, बहुत अच्छा समझते हैं। सर दूसरी चीज, अभी ये जो कॉस्ट्यूम्स आप लोगों को दिख रहे हैं जो हया कलेक्शन से स्पॉन्सर्ड है, तो अगर आप लोगों को भी ऐसे बेहतरीन जबरदस्त पाकिस्तानी ड्रेसेस सुना है तो आप हया कलेक्शन से ले सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके। और आपकी फ्रेंड जो मेहंदी डिजाइन आपने, आप ये जो ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन देख रहे हो ये मेरी फ्रेंड अनिका ने किया है, यू कैन फॉलो हर ऑन हर इंस्टाग्राम पेज व्हिच इज हन्ना बाय अनिका एंड शी इज अमेजिंग, सो थैंक यू सो मच। बोरे हमारे बिलाल भाई कुछ फरमाना चाह रहे हैं, समात फरमाइएगा भैया। जरा वो इंस्टाग्राम के हैंडल्स आते देखो नीचे पूरे, समीर के, रियाज के, सिराज के, मेरे शौर्या के है, तो सबको फॉलो करो। हाँ इनका भी आता, हमारे आमिर भाई का भी आता, सबका आता, ऊपर मेरा आता, जरा फॉलो कर डालो। हो गया, बैकअप बैकअप बैकअप।